बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन एंड डूइंग वेल। योर कोर्स टाइटल इज़ स्कल्पचर फॉर पब्लिक प्लेस एंड कम्युनिटी, फॉर विच द कोर्स कोड इज़ FINE 4131। आई एम सनार स्लान फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन, लोअर माल कैंपस। दिस इज़ योर लेक्चर नंबर 19, इन विच आई विल डिस्कस विद यू अबाउट द ट्रेडिशनल स्कल्पचर मटीरियल्स एंड द हिस्ट्री ऑफ स्कल्पचर, जिसमें ग्रीक टाइम पीरियड है, इजिप्शियन टाइम पीरियड है, और फिर किस तरह से मॉडर्न टाइम पीरियड में स्कल्पचर्स के अंदर चेंजेस आते गए और मज़ीद नई चीज़ें ऐड होती गईं। योर कोर्स आउटलाइन इज़ इंट्रोडक्शन टू मॉडर्न स्कल्पचर, कॉन्सेप्ट्स ऑफ मॉडर्न स्कल्पचर, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न स्कल्पचर, प्री एंड पोस्ट सर्वेज ऑफ एटीट्यूड्स अबाउट पब्लिक आर्ट एंड इट्स कम्युनिटी, आर्ट स्पेस एंड सिटी, वाइल्ड लाइफ स्कल्पचर, काइनेटिक आर्ट स्कल्पचर, हिस्ट्री ऑफ कम्युनिटी, 3 प्रोजेक्ट्स ऑन वर्ल्ड रिनाउंड कम्युनिटी एंड स्लाइड लेक्चर्स ऑन हिस्टोरिकल एंड कंटेम्पररी स्कल्पचर्स एंड मूवमेंट्स। ट्रेडिशनली जो स्कल्पचर मटीरियल इस्तेमाल होते हैं उसमें मार्बल, मेटल, वुड, आइवरी और टेराकोटा शामिल है। उसके अलावा भी मुख्तलिफ तरीक़ाकार से स्कल्पचर्स को बनाया जाता है, असेंबलेज के साथ किया जाता है काम, जो है वो क्ले में काम किया जाता है। तो मुख्तलिफ मटीरियल इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन ट्रेडिशनली जो फेमस रहे हैं और आज भी लोग उनमें स्कल्पचर्स बनाना पसंद करते हैं वो है मार्बल, मेटल, वुड, आइवरी एंड टेराकोटा। मार्बल इज़ एक्सट्रीमली हार्ड, एक बहुत ही हार्ड किस्म का मटीरियल है। इट इज़ ऑल्सो वेरी ड्यूरेबल और इसी वजह से ये बहुत ड्यूरेबल भी है। appropriate for monuments and statues, stone tools include the chisel, mallet and rasp। तो ये tools जो है वो अमूमन इस्तेमाल होते हैं marble को, marble के अंदर किसी भी sculpture को बनाने के लिए। artists also use contemporary power tools। तो यहाँ पर आपको एक marble sculpture की तस्वीर भी नज़र आ रही है screen के ऊपर at the left side। Metal is also one of the very famous materials used to make the sculptures. Sculpture can be created by cutting metals with shears and snips, by firing and hammering metals, or by joining metals with sheet metal screws, rivets and soldering. More advanced techniques involve brazing and welding and fabricating the more complex forms। तो इस तरह से मेटल के साथ जो है वो स्कल्पचर्स बनाए जाते हैं। इसके दो तरीके हो सकते हैं, या तो उसकी हैमरिंग की जाए, फायरिंग की जाए, और फिर या फिर उसको जो है वो कट करके या फिर डिफरेंट टूल्स के साथ उसको जो है वो शेप दी जाए, या फिर जो ज़्यादा एडवांस टेक्निक्स हैं उनके अंदर वेल्डिंग और फेब्रिकेशन ऑफ डिफरेंट कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स भी शामिल हैं। ऑफ द मेटल्स द मोस्ट कॉमनली यूज ट्रेडिशनली अमंग द मेटल्स द मोस्ट कॉमनली यूज ट्रेडिशनली वॉज ब्रॉन्ज। तो मेटल्स में से जो ब्रॉन्ज है वो ट्रेडिशनली ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है स्कल्पचर्स के अंदर, ख़ास तौर से रोमन एंड ग्रीक स्टैचूज और स्कल्पचर्स जो है वो मेटल में बनाए जाते थे, ब्रॉन्ज में बनाए जाते थे। वुड कैन बी कार्व्ड, स्क्रैप्ड, ड्रिल्ड एंड पॉलिश्ड, लेमिनेटेड एंड बेंट। Different woods have a different hardness and grain. Wood appeals to sculptures because of its grain, color and workability. Wood is lighter and easier to carve than stone. Uske baad ivory hai, which is a type of dentine, a hard, dense, bony tissue which forms most of the teeth and tusk of animals, which has been used for millennia as a material for carving sculptures। तो बहुत से जो स्कल्पचर्स हैं वो आइवरी में बनाए जाते हैं, हाथी दांत का इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा भी जो है वो डिफरेंट दांत जो है वो उनके साथ छोटे ऑब्जेक्ट्स भी बनाए जाते हैं और बड़े भी बनाए जाते हैं। उसके अलावा पियानो की, बिलियर्ड बॉल्स, इन चीज़ों के लिए भी जो है वो ये आइवरी को इस्तेमाल किया जाता है। सो इट्स अ वेरी कॉमन मटीरियल जो कि पास्ट में भी इस्तेमाल किया गया है, और लोग जो है वो आइवरी में बनी गई चीज़ों को जो है वो बड़े शौक से, एक तो स्कल्पचर्स भी उनको बनाते हैं और लोग उनको ख़रीदते भी बड़े शौक से, एंड दे लाइक टू डिस्प्ले देम इन देयर ड्राइंग रूम्स। टेराकोटा कुक्ड अर्थ, इट इज़ मॉडरेटली क्वार्ट्ज क्ले प्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट फायर्ड
इट इज़ मॉडरेटली कोर्स क्ले प्रोडक्ट फायर्ड एट कंपैरेटिवली लो टेम्परेचर. तो इसको लो टेम्परेचर पे जो वो फायर किया जाता है, यूजुअली पेंटेड एंड कोटेड विद हैवी ग्लेज. तो इसको जो वो बड़े हैवी ग्लेज के साथ जो है वो इन द पास्ट हम देखते रहे हैं कि इसको बड़े ही हैवी ग्लेज के साथ जो है वो पेंट और कोट किया जाता है. हिस्ट्री. स्कल्पचर्स ऑफ एंशियंट एम्पायर्स रिकॉर्डेड बोथ रिलीजियस एंड पॉलिटिकल लाइफ. तो रिलीजियस और पॉलिटिकल लाइफ को जो है वो एक हिस्ट्री की शक्ल में प्रिजर्व किया गया है स्कल्पचर्स की मदद से. और आर्टिजन्स ऑफ दीज कल्चर्स ऑफन यूज टेक्निक्स एंड मैथड्स दैट कंटिन्यूड अनचेंज्ड फॉर सेंचुरीज. तो जो इजिप्शियंस थे उनका जो बादशाह और मलका और उनकी जो इम्पोर्टेंस होती थी वो सब इन्होंने अपने स्कल्पचर्स के अंदर प्रिजर्व की है. स्कल्पचर्स ऑफ एंशंट ग्रीस एंड रोम इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट्स ऑफ वेस्टर्न आर्ट. तो जो ग्रीक के और रोमन के स्कल्पचर्स थे, और ग्रीक का एक टाइम पीरियड जिसे क्लासिकल टाइम पीरियड कहा जाता है, जो गोल्डन टाइम पीरियड कहलाता है, वहाँ पर ख़ास तौर पे जो स्कल्पचर्स बनाए गए वो अपनी मिसाल आप थे. और अभी तक उसको जो है वो मिसाल दी जाती है. जब भी किसी आर्ट को बहुत परफेक्ट कहना हो तो कहा जाता है कि ये क्लासिकल टाइप ऑफ आर्ट है. दिस वर्क ऑफन फोकस्ड ऑन परफेक्टिंग द ह्यूमन फॉर्म. शायद इसे इसी वजह से क्लासिकल आर्ट कहा जाता है कि यहाँ पर ह्यूमन फॉर्म को काफ़ी परफेक्शन के साथ बनाया गया है. ड्यूरिंग दिस सेम टाइम डिस्टिंक्ट स्कल्पचरल ट्रेडिशंस डिवेलप्ड इन अदर एरियाज ऑफ द वर्ल्ड. तो दुनिया में जो बाकी जगह थी वहाँ पे भी स्कल्पचर्स के अंदर काफ़ी काम हो रहा था और जो स्कल्पचरल आर्ट है वो डिवेलप हो रहा था. ड्यूरिंग द रेनेसेंस आर्टिस्ट अगैन लुक्ड टू परफेक्टिंग द ह्यूमन फॉर्म. जब रेनेसेंस टाइम पीरियड आया तो आर्टिस्ट ने एक दफ़ा दोबारा कोशिश की कि वो ह्यूमन फॉर्म को परफेक्ट सूरत में प्रेजेंट कर सके. माइकल एंजलो सॉट टू रिलीज द इमेज दैट वॉज लॉक्ड इन द स्टोन. तो माइकल एंजलो के बनाए गए जो स्कल्पचर्स हैं वो इंतहाई खूबसूरती से बनाए गए हैं, बहुत डिटेल्ड हैं और उनमें क्लासिकल आर्ट वाली खूबियाँ नज़र आती हैं. और वो जैसे स्टोन में से जो है वो उसको जिस तरह से बनाता है, दैट इज़ सो ब्यूटिफुल. आर्टिस्ट कंटिन्यू टू वर्क इन द स्टाइल इन टू द 20th सेंचुरी. तो 20th सेंचुरी के जो आर्टिस्ट हैं उन्होंने भी कंटिन्यू किया इस स्टाइल को, और उन्होंने भी जो है वो ह्यूमन फिगर को जो है वो ब्यूटी के साथ उसकी रिप्रेजेंट किया एंड प्रेजेंट थॉट प्रोवोकिंग कंटेंट आल्सो इन द 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी. आर्टिस्ट शिफ्टेड फ्रॉम पोर्ट्रेइंग रियलिस्टिक फिगर्स इन फेवर ऑफ डिस्टॉर्टेड एंड एब्स्ट्रैक्टेड फॉर्म्स. तो 19th सेंचुरी में और अर्ली 20th सेंचुरी में आर्टिस्ट ने जो है वो रियलिस्टिक फिगर्स के साथ साथ डिस्टॉर्टेड और एब्स्ट्रैक्टेड फॉर्म्स में भी काम करना शुरू कर दिया था. और वो उसके अंदर जो है वो डिस्टॉर्शन जब प्रेजेंट करते थे तो उसके साथ उसकी ज्योमेट्रिकल शेप्स भी ऐड कर देते थे और एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म्स के साथ भी स्कल्पचर्स को बनाया करते थे. दिस एब्स्ट्रैक्शन ऑफ फॉर्म कैरीज ऑन इन टू द 20th सेंचुरी. अब 20th सेंचुरी के दौरान ये जो फॉर्म थी, फॉर्म की जो एब्स्ट्रैक्शन थी वो ज़्यादा एडवांस होती गई और चीज़ों को ज़्यादा सिंप्लीफाइड तरीके से प्रेजेंट किया गया और एक नई तर्ज का स्कल्पचर हमारे सामने आया जिसमें मॉडिफाइड फॉर्म्स थी, सिंपल फॉर्म्स थी और एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म्स थी जिनमें स्कल्पचर्स को बड़े साइज़ में भी बनाया गया और छोटे में भी बनाया गया. सम आर्टिस्ट शर्नड traditional materials and methods and created entirely new types of sculpture. अब artists जो थे उन्होंने traditional materials और methods का भी इस्तेमाल किया और उसके साथ साथ उन्होंने नई type of sculptures जो थे उन्हें भी invent किया और new types काफ़ी तरीके से हमारे सामने आई. जैसे कि kinetic art sculpture के अंदर बहुत advancement हुई और उसके अलावा भी जो आपको screen पर नज़र आ रहे हैं वो new type of art and sculpture जो है वो क्रिएट किया गया. कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट कंटिन्यू टू रीडिफाइन स्कल्पचर एज एन आर्ट फॉर्म. सो जो कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट हैं उन्होंने कंटिन्यू किया इसी स्कल्पचर के तरीक़ेकार को और इसमें मज़ीद जो है वो चीज़ें ऐड करके इसको ज़्यादा मीनिंगफुल बना दिया, ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल बना दिया. सो हेयर आर सम ऑफ द सोर्सेज फ्राम विच यू कैन टेक हेल्प इफ़ यू वॉन्ट टू नो मोर अबाउट द स्कल्पचर्स. And this is the end of today's lecture. Hopefully आपको अच्छे से समझ आ गया होगा. So जो है वो आप अपना जो sculpture है उसके बारे में learn करें.
ये जो लेक्चर्स आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं इनको गो थ्रू करें, अपनी असाइनमेंट्स प्रिपेयर करें, अपना प्रैक्टिकल वर्क करें, एंड बेस्ट ऑफ लक, स्टे ब्लेस्ड, अस्सलामुअलैकुम।